इसलिए पैदा किया था तुम्हें कि बड़े होकर जिंदगी जाया करोगे अपनी, ना डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है, वीलो करना है। दफा हो जाओ, शक्ल नहीं दिखाना अपनी इस घर में दोबारा। व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है। मरी जाने से पहले जो सबसे पहला काम है वो है पैकिंग करना। मेरी पैकिंग ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक ही रात का स्टे है। जी तो मुलायजा फरमाइए, मेरे कपड़ों से भरा खाली सा बैग। मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स तो नहीं है व्लॉग के लिए, लेकिन कुछ चंदी चीज़ें हैं जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज हैं। मेरा एमआई का पावर बैंक जो मुझे अपनी जान से भी अजीज है। और फिर आते हैं ओरिजिनल आईफोन के फर्स्ट कॉपी एयरपॉड्स। मुझसे पूछा जाए कि यार आपको मरी है इस्लामाबाद जाना है और हर दूसरे दिन जाना है, तो मैं इनकार नहीं करूँगा। ये कहानी है मरी की। हम घर से चढ़े MM रोड पर, उसके बाद मोटरवे पर, और फिर ऐसे ही हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। अब रुके थे यार मियाँ वाली का कोई गांव है ये, यहाँ पर ये पंप नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर स्टे किया था कुछ देर के लिए। सीरियसली यार मुझे ना गाड़ी चलाई जा रही है ना कुछ हो रहा है, आई एम रियली डेडली टायर्ड। मैंने सोचा जा तो वैसे भी रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको गाइड ना बना दूँ। तो इस्लामाबाद के मौसम का कोई अता पता नहीं होता यहाँ पे, आप जब भी आए ना तो अपने साथ छाता ज़रूर लेके आए यार, छाता मीन छतरी ज़रूर लेके आए। रुका था चक्री क़यामत यहाँ पर, यहाँ का वेदर इतना खूबसूरत है कि मुझे आगे जाने का दिल ही नहीं कर रहा यार। हल्की हल्की बारिश एंडमसली बहुत फीलिंग्स आ रही है यार, मैं आपको बता नहीं सकता, एक्सप्लेन करने की मेरी हिम्मत ही नहीं यार। ये अभी शादी ने उठा दिया यार नींद से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो हम रुके हैं यहाँ पे चाय वगैरह के लिए। तो रैस भाई ने कहा था कि रुकें तो बताइएगा, उन्होंने शॉर्ट्स लेने थे, पर अभी उनकी हालत मैं आपको दिखा दूँ कि वो क्या कर रहे हैं। हेलो, ये देखें सोया पड़ा है बंदा, और देखें इनको जगाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी एक सीन बना है, सीन क्रिएट हुआ है यहाँ पर। तो पीछे ना एक गाड़ी बस रुकी है आगे, बड़ी खटारा सी बस है, उसमें से दो फॉरनर्स निकले हैं। मैं हैरान यार, मैं परेशान, मैं कहा यार इन्नी सोहनी बॉडी चुकी हुई है जनाब यार, लाइने उत्थे बस ते लेके फिरनी सी। अभी मेरे पास देख रहे हैं, देख रहे हैं आपको दिखाओ, मैं नहीं दिखा सकता, सॉरी। मेरी हर कहानी में, हर स्टोरी में एक सेट पार्ट ज़रूर होता है, इस कहानी में भी है। और इस कहानी में मुझे अभी जाके पता चला है कि सेट सीन है। हमारे साथ हुआ कुछ ऐसे कि हम करीबन कोई 11 किलोमीटर की ऊंचाई तय करके आए हैं और पता ये चल रहा है कि मुनाल सील हो गया। समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स। वैसे अगर आप किसी स्कूल ट्रिप से जाएं या कॉलेज ट्रिप से जाएं तो वो आपको तीन चीज़ें आपके पैसों से देंगे। नंबर 1 ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 होटल फी, नंबर 3 तीन टाइम की खुराक। लेकिन हमारी कहानी तो कुछ और ही है, तो कहानी कुछ ऐसी ही है।
अगर आप कश्मीर पॉइंट पे आके अपनी कन्वेंस है आपके पास और आप पैदल नहीं चले तो मुझे नहीं लगता कि आपने इंजॉय किया। हमारे पास गाड़ी थी, हम पैदल आए हैं, ठीक है, इंजॉय कर रहे हैं। तो आपको सीन्स दिखाऊंगा, कहानियाँ सुनाऊंगा, लेकिन साथ साथ फुल भी इंजॉय करना। अच्छा, हम ब्लॉगर्स जो है ना, हमारे दो काम हो सकते हैं, सॉरी दो कामों में से एक काम हो सकता है कि हम इंजॉय कर सकते हैं या फिर ब्लॉग्स बना सकते हैं। हमारी कहानी ये होती है। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर जिस बात के लिए यहाँ पर मैं आया था, मुझे अभी तक वो जगह ही नहीं मिली कि मैं कहीं अकेला बैठकर उनको बड़ी फुर्सत से याद कर सकूँ। Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back. अभी गाइस हम कहाँ जा रहे हैं? माल रोड पे जा रहे हैं ब्रो। माल रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पे थोड़ी सी कुंडी होती है, जो कि सबको पता है। लेकिन मैं नहीं करूंगा। यार हम उनमें से नहीं है, बिलीव मी, कसम से मैं नहीं। मेमोरीज फुल है, फुल ऑन फायर है। आई एम ब्रोकन मैन। मैं किसी की यादों के साथ प्रेग्नेंट, ओह सॉरी, मैं किसी की यादों के साथ भी आया हुआ हूँ। ओए होए होए होए, ऐसे में आए हैं भाई, ऐसे। थैंक यू। Everybody has someday, but everything gon' be alright. मैं फिर रहा हूँ माल रोड पर, और अगर आप माल रोड पर आए और आपने यहाँ पर आकर सेल्फी नहीं ली तो मुझे नहीं लगता कि आपने इंजॉय भी किया। लोगों को यहाँ पे यार एहसास ही नहीं है, लोग हाथ में हाथ डाल के फिर रहे हैं, मतलब हम छड़े तो मतलब कुछ भी नहीं है, हमारे फीलिंग्स ही नहीं है भाई। यार कोई एहसास करो यार, खुदा का खौफ करो यार। यार बहुत थके हैं, बहुत थके हैं, वापसी के लिए निकलने लगे हैं। अच्छा तो जाने से पहले ना यार कुछ खाना पड़ेगा, बहुत भूख लगी है, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। शादी क्या हाल है तेरा, भूख लगी है बहुत हैवी? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में यार, तब तक के लिए बाय बाय। जितना मुश्किल इस जगह पर आने के रास्ते थे, उसे कहीं ज़्यादा मुश्किल इस जगह को छोड़ कर जाना है। ज़िंदगी गुजर तो रही है, गुजरती रहेगी, मसरूफियात बढ़ तो रही, बढ़ती रहेंगी, इसी का नाम तो ज़िंदगी है। बड़ा ही जानलेवा होता है ना ये अहम होने का वहम भी, और यही वहम तब ख़त्म होता है जब हम इंतज़ार में होते हैं और अगले को हमारी इस तकलीफ़ का एहसास ही नहीं होता। थैंक्स टू एवरीवन टू स्पॉट मी मेकिंग दिस वीडियो।